मैं राजीव शर्मा जी। कहाँ रहते हो आप? टिपरा कॉलोनी कालका। क्या क्या हुआ? रेलवे कॉलोनी कालका। क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर हमारे घर में रात में चोरी की वारदात हुई जी, जिसका कि हमें सुबह 4 बजे मालूम हुआ। जब हमारे बच्चे ऊपर गए तो कमरा खोलने लगे तो दरवाजा खुल नहीं रहा था, तो पता लगा वो इंटरलॉक हो रहा है। काफी ज्यादा खड़काया वगैरह वगैरह, तो कुछ नहीं हुआ। हमने फिर 112 नंबर पर कॉल किया जी। 112 के कॉल करने के बाद हमने तो मतलब कि डर से गए या जो मर्जी ऐसा कह लीजिए, हमने शीशा तोड़ा अपने खिड़की का और उस दरवाजे को खोला। दरवाजा खोलने के बाद हमने अंदर पाया कि सभी दराज सब तरीके से जो बेड बॉक्स है वो सभी बिखरा हुआ है, खुला हुआ पाया जी। और मोटा मोटा जो जैसे हमारे बच्चे के पर्स में जो पैसा था, जो कि हम चेक तो नहीं पूरा कर सके जी, परंतु उसके अंदर कैश था, प्लस साथ में जो ड्रॉअर थे उसमें घड़ियां थी जी, बच्चों की घड़ियां थी जो कि 8 के करीब घड़ियां थी, और कुछ ज्वेलरी थी जो बच्चे उतार के रख देते हैं, कुछ पहन लेते हैं। तो कैश भी था कुछ? कैश 15,000 रुपए के करीब तो मोटा मोटा है जी, बाकी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जो साहब 112 नंबर वाले आए थे उन्होंने हमें हिदायत दी थी कि किसी भी सामान को आपने टच नहीं करना। हमारे डिपार्टमेंट से कोई ऑफिसर या जो भी इन्वेस्टिगेशन टीम आई है अभी तक तो कोई नहीं आई जी। तो सर मतलब जैसे आप बता रहे कि 3 से 4 जो मकान छोड़ के वो फिर आपके उसमें है, थोड़ा वो बताएं ब्रीफ में कैसे? वो जैसे हमारे पड़ोस में हम सब हल्ला पड़ गया, तो उसके बाद हमारे सारे पड़ोसी जो हैं आसपास के वो सब इकट्ठे हो गए, क्योंकि पड़ोस का मामला है, तो एकदम से कि हमारे पड़ोस में ऐसा हादसा कैसे क्या हो गया, एकदम से अचंभित हो गए। तो हमारे पड़ोस में ही हैं अपना श्रीमान बिट्टू जी, वो भी आए, वो उन्होंने देखा भी। उसके बाद वो सब इधर उधर जैसे तफ्तीश करने लगे अपने एंगल से भी क्या हो गया क्या है। ऊपर गए मिस्टर हरदेव सिंह जी के घर में गए, ऊपर जाकर देखा तो वो सीढ़ी जो थी उनके बगल वाले जो घर कंस्ट्रक्शन जो बंद है वो सीढ़ी उनके छत पर पाई, और वो एकदम से हैरान हो गए कि ये सीढ़ी यहाँ कैसे आ गई, है ना जी। उससे अंदाजा लगाया गया कि इस सीढ़ी से उन्होंने ओवरब्रिज बनाकर हमारे घर में एंटर तो किया। तो आपके यहाँ जैसे पड़ोस में कहीं सीसीटीवी कैमरा कुछ ऐसा? सीसीटीवी कैमरा है जी, जैसे हमारे मिस्टर हरदेव सिंह जी के घर में है, बट उनका जो एंगल है वो उनके अपने घर के अकॉर्डिंगली सेट कर रखा है जी। उसमें उन्होंने देखने की कोशिश की, बट वो थोड़ा उसी की कवरेज थी। बट एक और है उनके हरदेव सिंह जी के घर के सामने, उनके DVR में ये कैप्चरिंग तो है, परंतु क्या है कि माउस की व्यवस्था नहीं होने के कारण वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाई। बाकी ये एक और है हमारे घर के बगल में ही भाई साहब हैप्पी जी हैं, उनके घर में भी कैमरा लगा हुआ है जो कि गली के दोनों ओर है, वो भी अभी घर में नहीं है, चंडीगढ़ है, हमने उनसे बात की। हमारे पड़ोस के ही सतीश जी हैं हमारे अंकल, उन्होंने काफी फॉलो किया, इन सब लोगों से बात की, तो बात करने पर मालूम हुआ कि वो 1 घंटे में शायद हमारे पास पहुंच जाएंगे, और तब हमें शायद उसकी कॉपी या जो भी पिक्चर्स हैं वो मिल पाएगी। सर क्या गली में कोई चौकीदार वगैरह ऐसा कुछ रखा गया है जो ऐसी? नहीं, चौकीदार तो नहीं है जी, वैसे कोई फैसिलिटी नहीं, नहीं जी, नहीं। बाकी मूवमेंट होती है काफी हमारे यहाँ रहती है जी। तो ये चोरी नाइट में हुई है या डे में? आप ये सुबह जो हमें पता लगा 4 बजे जी, परंतु ये है कि 12 बजे तक तो हम जाग ही रहे थे जी, है ना जी। उसके बाद जब हम अपना रूम में सुबह उठ के जैसे जो भी दिनचर्या होती है उसके अकॉर्डिंग जब हम गए, तब हमें मालूम पड़ा कि दरवाजा बंद है। बुलाई जो घर में चोरी हुई है, हम मौके पर पहुंचे और देखा कि सामान बिखरा हुआ था, पीछे साइड में कोई सीढ़ी लगा के कोई मतलब चोरी का इंजाम दिया गया। क्या पता लगा कितने तक चोरी हुई है? क्या अभी क्या चोरी बताएंगे इसका कोई क्लियर नहीं। कितने लोग थे पता लगा कुछ कैमरे से सीसीटीवी फुटेज आई हो? ऐसा कुछ नहीं अभी पता लगा, सीसीटीवी में अभी कुछ नहीं दिखा। जैसे ही पता लगेगा अभी इनकी रिटन कंप्लेंट होगी, उसके बाद जैसे ही आगे की प्रक्रिया जो मतलब इन्वेस्टिगेशन की वो शुरू होगी, और जो भी है वो आपके सामने आएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी अभी इनकी रिटन कंप्लेंट के लिए इनको थाने में लेकर जाएंगे।